एवरीवन, स्वागत है आपको एक और नया वीडियो में फ्रॉम दुबई। कल हम लोग गए थे बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल। बुर्ज खलीफा दुबई मॉल एक ही मेट्रो का स्टॉप है, तो बुर्ज खलीफा का टिकट दो आदमी का लगभग हम लोग को 7,500 रुपये पड़ा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो बहुत बहुत ही अच्छा था, स्पेशली द इवनिंग का लाइट शो, फाउंटेन शो, वो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था। इवनिंग में 6 से 1 बजे तक चलता है और आधा घंटा में, और शायद दोपहर में 1 और 1.5 बजे चलता है। फ्राइडे का दिन अलग चलता है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप लोग अगर आ रहे हो तो ज़रूर देखना। और आज हम लोग का प्लान है दुबई फिल्म देखने के लिए, जिसका टिकट लगभग दोनों आदमी का 3,600 रुपये पड़ा। म्यूजियम और फ्यूचर का भी प्लान था, बट हम लोगों को टिकट नहीं मिला। वो मैं टिकट बुक करने वाला था फ्रॉम getyourguide.com, बट फाइनली हम लोग ने बुक नहीं किया और हमें टिकट नहीं मिला। तो आप लोग अगर आ रहे हो, पहले से आ रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन और अराउंड 25 दिसंबर की तरफ, पहले से टिकट बुक करके आओ, पता नहीं क्या होगा। शायद यहाँ पर आके बुक करोगे तो थोड़ा कम पड़ेगा, बट डोंट टेक द रिस्क, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक सीजन। चलते हैं जहाँ पर लोग सब इकट्ठा होके जो भी यहाँ पर काम करते हैं, डिफरेंट मॉल्स, वर्कशॉप वगैरह, सब यहाँ पर बस में लेके अपना जगह लेके जाते हैं, जो भी कंपनी इन लोग को हायर करके रखते हैं। लास्ट दो वीडियो में आप लोगों को मैंने हीरा का डिफरेंट पार्ट सिखाया, कई मोबाइल का इक्विपमेंट्स मिलता है तो कई ऑटो पार्ट्स। आज जो दिखाने वाला हूँ, शायद शाम को जाएंगे हम लोग, वो है जहाँ पर कपड़े वगैरह मिलता है। कल हम लोग ने गया था वहाँ पर, काफ़ी सस्ता में ब्रांडेड कपड़ा मिल रहा था, बट मैं बताऊंगा कि वहाँ पर क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं था। आइटम सारे डुप्लीकेट था, सारे फेक ब्रांडेड आइटम्स था, क्वालिटी एकदम खास नहीं था। हाँ, एक दो बार पहनने के लिए ठीक है, बट उसके ऊपर तो नहीं जा सकते हो। हम लोग मैक्स स्टेशन पे उतरे और मैक्स स्टेशन से लगभग 10-12 मिनट वॉकिंग है टूवर्ड्स द दुबई फ्रेम। और यहाँ पर इस दुबई फ्रेम के पूरा सराउंडिंग एक पार्क है, जो कि शायद कुछ पार्क का नाम था, जबल पार्क कुछ पार्क का नाम था, पर आपको एंट्री मिलेगा सिर्फ गेट नंबर 4। और मेट्रो में इस टाइम पे इतना भीड़ था, इतना रश था, कि दिल्ली में जब मैंने ट्रैवल किया था लगभग 2-3 साल फ्रॉम कालका जी टू हुडा सिटी सेंटर, जैसा ट्रैफिक होता है ऐसे एग्जैक्ट सिमिलर ट्रैफिक है। बहुत रश है इस समय और बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब आपको निकलने में दिक्कत हो जाएगी और घुसने में भी दिक्कत होता है, स्पेशली इन दिस पीक आवर्स ऑफ टाइम, सुबह में और एक शाम में। दुबई फ्रेम में एंट्री हो गया, दुबई फ्रेम का जो पार्क है वहाँ पर एंट्री हो गया। बाहर लिखा था करीबन 52.5 दिरहम पर पर्सन, और ये है ब्यूटीफुल पार्क। एक सेकंड दिखाता हूँ आप लोग, तो ब्यूटीफुल पार्क। एक चाइना से ग्रुप आए, पूरा झुंड मिलके एक बड़ा सा ग्रुप आए और अपना झंडा लेके भी आगे चल रहा है। और ये है दुबई फ्रेम। कल दुबई बर्ज खलीफा जैसा आज भी दुबई फ्रेम में उतना ही लंबा क्यों है। तो अभी हम लोग टॉप ऑफ द दुबई फ्रेम है, ये करीबन 150 मीटर्स इन हाइट। और इधर आपने अभी देखा कि एक ग्लास फ्रेम है, जो कि एकदम मतलब नीचे देख के बहुत ही डर लगता है,
और दिस साइड इज न्यू दुबई एंड दैट साइड इज ओल्ड दुबई. दुबई में वो दूर पे है बुर्ज खलीफा, ये है शेख का फोटो और हम लोग उस साइड से मेट्रो होके इस साइड से होके इधर आ गए. ये है ओल्ड दुबई, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग बहुत छोटे छोटे साइज की है. आगे दीरा है. तो शायद ये दुबई फ्रेम का मीनिंग यही है कि इट इज़ अ गेटवे फ्रॉम ओल्ड दुबई टू न्यू दुबई, द फ्यूचर ऑफ दुबई. दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपेयर टू यहाँ पर इतना सस्ता रेट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा. तो अभी हम लोग चलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, टिकट तो नहीं है पर देखते हैं क्या मिलता है, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को. फ्रेम से दुबई म्यूजियम का जो टैक्सी से आए वो लगभग लगा 23.5 dirham यानी कि 570 rupees और कुछ ऐसा टैक्सी है. ये मीटर से आप आओ तो ठीक ठाक आते हैं, या तो करी मैप यूज़ कर लो तो करी मैप से भी आ सकते हो, पर लगभग दोनों में सेम ही रेट दिखा रहा था. वहाँ पर भी 21-22 dirham और यहाँ पर 23.5 dirham. खैर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यहीं पर ही है और 22 जनवरी तक टिकट एकदम सोल्ड आउट और 149 dirham का टिकट यानी कि दो आदमी का 6,780 rupees का लगभग टिकट है. द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज आई थिंक फाइनेंशियल सेंटर, वही है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन. पीछे है बुर्ज खलीफा. इनकेस आपको पूरा सिटी घूमना है तो इधर एक बस मिलता है, बिग बस टूर, जैसे लंदन न्यूयॉर्क में मिलता है, एक बिग बस टूर से भी घूम सकते हो. ये आपको हर जगह इम्पोर्टेंट जगह में ड्रॉप करेगा और 30 मिनट्स का स्टॉपेज होगा और फिर घुमा फिरा के आपको अपना पॉइंट जहाँ से पिकअप किया था छोड़ देगा. मुझे पता नहीं है प्राइस क्या है पर आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ अ गुड ऑप्शन. मालूम ना लो जिरकॉन डायमंड, दिस इज़ द दुबई सिटी ऑफ गोल्ड. अभी अंदर तो और भी मार्केट्स हैं, चलो वहाँ पर जाके देखते हैं. चारों तरफ से गोल्ड ही गोल्ड दुकान है, जितना गोल्ड देखोगे आप, जितना गोल्ड का दुकान मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा. वो था 22 carat, यहाँ पर सारे 18 carat है, सारे 18 carat गोल्ड एंड डायमंड. खजाना, फुल खजाना, डायमंड डायमंड गोल्ड रिंग्स. देख वो तो मोटा मोटा देख कत चेन्स है, कत डिजाइन है, सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड्स. देख नाउ करीना एंड अनिल कपूर एडवर्टाइजमेंट, गोल्ड एंड गोल्ड एंड सिल्वर. ये तो पागल जैसा बड़ा है, कौन पहनता है ऐसा. तो सोने का खजाना है. गोल्ड पर्स, दिस इज मेड फॉर क्वींस एंड प्रिंसेस नॉट फॉर अस. क्योंकि हम लोग जिस मार्केट में जा रहे हैं वो है स्पाइस सूप, और शायद कुछ कश्मीरी और पश्मीना शॉल्स मिलते हैं तो उधर चलते और देखते कैसा है. हाउ मच इज स्मेल्स ऑफ फिशी. ये पिस्ताशियोस कितने हैं? पिस्ता, ये पिस्ता कितना है? 80 ग्राम किलो.
रेट्स का हिसाब है 40 dirham किलो। फिर लाइट्स में कितना है, बड़ा 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 झूमर आपको वन पीस में चाहिए, सिर्फ में चाहिए नहीं, ये वाला ना ना कार्ड, ये वाला, ये वाला इनन पीस है, ये आपको पड़ेगा 980 सुख से निकल के हम लोग जिस रोड पे आए वहाँ पर सिर्फ चप्पलों का दुकान है, ये भी डीरा में ही है। तो जो भी दुकान आपको इधर उधर दिखेगा सिर्फ शूज़ एंड शूज़ है, सब टाइप का शूज़ है, ओरिजिनल डुप्लीकेट सस्ता महंगा, देखो सारे शूज़ का दुकान, शूज़ एंड शूज़ ना मेड इन सब, सिर्फ शूज़ एंड शूज़ दुकान है सिर्फ, सब मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, हर टाइप का शूज़ है यहाँ पर, शूज़ शूज़ एंड शूज़। बट सिर्फ वॉचेस का दुकान, जो भी इधर देखोगे सिर्फ वॉच एंड वॉचेस, वॉचेस ही वॉचेस। सो 30 dirham इज ऑलमोस्ट 600 to 700 रुपीज़। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये सिर्फ होलसेल रेट पर देते हैं और कार्ड नहीं लेते हैं, सिर्फ कैश ही लेते हैं। इस मार्केट से निकल के हम जिस मार्केट पर आए, ये है लाइट्स एंड कटलरी, कटलरी पीछे वाला था, स्पेशली लाइट्स के हैं, लाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स एंड हार्डवेयर।